Hello everyone and welcome back to yet another insightful episode of But We Care. I'm your host Shreya and today we are at Healing Hands Clinic where Dr. Ashwin Porwal will enlighten us about the diagnosis and complications associated with bites. डॉक्टर अब भी अपने ग्रेड्स के बारे में बोला कुछ टेल अस की व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स. यस, सो पाइल्स जिसको हम बवासीर बोलते हैं या मूलव्याध बोलते हैं, इसके चार स्टेजेस होते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर. स्टेज वन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बर्निंग रहेगा पेशेंट्स को या फिर कभी कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है. अगर हम पेशेंट को स्टेज वन में डायग्नोस करते हैं तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पूरी तरह से ठीक हो सकता है. अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम मेडिसिन देते तो उसका सक्सेस रेट और भी ज़्यादा अच्छा रहता है. स्टेज टू जो है इसमें ब्लीडिंग ये कॉमन सिम्टम्स है और कभी कभी पेशेंट को फील होता है कि वहाँ पे कुछ तो पोर्शन बाहर आ रहा है वाइल पासिंग स्टूल्स और थोड़ा सा बल्जिंग लगता है उनको, हाथ को कुछ तो फील होता है एनल एरिया में. तो स्टेज टू के लिए हमने एक स्पेशल किट डेवलप किया है जिसको हम पाइलो किट बोलते हैं. ये एक कॉम्बिनेशन है, ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है क्योंकि पाइल्स जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट विद इन 5 days या 7 days में नहीं हो सकता. इसके लिए जो मेडिकेशंस रहते हैं वो आपको मिनिमम 1 month या समटाइम्स 2 months 3 months भी लेने पड़ते हैं. तो 10 years बैक हमने सोचा कि अगर मेडिसिन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लेना है तो केमिकल मेडिसिन दे के पेशेंट का नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो वी डिसाइडेड कि वी शुड हैव प्लांट बेस्ड मेडिकेशंस एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट in coming up with plant-based medications. And today we have developed plant-based medications for piles, fissures and various other anorectal conditions. तो पाइलो किट जो है इसमें एक स्प्रे है, इसको हम पाइलो स्प्रे या एनो स्प्रे बोलते हैं. ये जो स्प्रे है ये इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्टेज टू के पाइल्स है तो वहाँ की स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है और क्योंकि ये स्प्रे है परफ्यूम जैसा है तो आपको वहाँ पर टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनल एरिया में जब आपको ऑलरेडी पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो इतने पेनफुल एरिया में फिंगर से क्रीम लगाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो वी इंट्रोड्यूस द स्प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड नोन बाय द नेम ऑफ पाइलो स्प्रे. सेकेंड हमने जो इन्वेंशन किया वो है टैबलेट्स का, इसको हम एनोएक टैबलेट बोलते हैं. ये जो टैबलेट्स है इसका 1 month का कोर्स होता है जिससे पाइल्स के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसकी स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है. और क्योंकि पाइल्स के पेशेंट्स में हमने जो चीज़ कॉमन देखी है वो है कॉन्स्टिपेशन. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फिर हमने एक टैबलेट डेवलप की जिसको हम कॉन्स्टैक्ट टैबलेट बोलते हैं. ये भी एक पाइलो किट के साथ ही आती है और ये टैबलेट लेने से पेट अच्छा साफ रहता है. तो ये जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इससे ऑलमोस्ट 50-70% हमारे पेशेंट्स विदाउट सर्जरी मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ स्टेज थ्री, अगर ये बीमारी स्टेज थ्री में होती है तो ये पाइल्स की जो नसें होती है वो बाहर आ जाती है. इन दैट केस मेडिसिन हैज़ नो रोल, वेदर यू टेक होम्योपैथी, यू टेक एलोपैथी और आयुर्वेदा, मेडिसिन कैन ओनली कीप दिस डिजीज अंडर कंट्रोल बट इट वॉन्ट गिव यू क्योर बिकॉज इट हैज़ बिकम अ एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. सो फॉर ग्रेड थ्री वॉट वी ऑफर इज अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसको हम लेजर हिमरोडोपेक्सी बोलते हैं. ये टेक्निक हमने 2013 में डेवलप की थी और टिल डेट वी हैव ट्रीटेड मोर देन 18,000 पेशेंट्स विद दिस टेक्निक. इसका एडवांटेज ये है कि इसमें स्टिचेस या ड्रेसिंग्स नहीं होते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है. टिपिकली पेशेंट्स हमारे मॉर्निंग या आफ्टरनून में आते हैं और इवनिंग में वो खाना खा सकते हैं, चल सकते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो घर जा सकते हैं एंड थर्ड डे से वो ऑफिस जा सकते हैं या फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू स्टेज फोर, स्टेज फोर में जो पाइल्स की मास रहते हैं या बवासीर का जो मास रहता है इट कम्स आउट और वो बहुत बार मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहता है. उसको आइदर पुश करना पड़ता है, कभी कभी वो पुश करने में भी अंदर नहीं जाता है. थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन रहती है ये और इसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो सकता है. तो स्टेज फोर के लिए हम स्टेपलर हिमरोडोपेक्सी नाम की एक प्रोसीजर वो करते हैं. इसको स्टेपलर सर्जरी नाम से जाना जाता है. टिल डेट वी हैव डन मोर देन 19,000 स्टेपलर सर्जरी फॉर ग्रेड फोर पाइल्स. काफ़ी इफेक्टिव प्रोसीजर है बट अगर आप ये बीमारी को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके स्टेज थ्री में ही ट्रीट कर लेते हैं तो मे बी ये लेजर से ही पूरा ठीक हो सकता है. Right, right, well said, doctor. A lot of people think that piles cannot be completely cured. It comes back sometimes. Right. Could you tell us what is the success rate of this?
सो पाइल्स ये जो बीमारी है, इस बीमारी को लेके लोगों के काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है कि ये बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो ठीक नहीं होती है, या फिर इसका ऑपरेशन करने के बाद ये बीमारी फिर से हो जाती है। कुछ हद तक ये जो एजम्पशन है लोगों का वो सही था, मे बी यू नो इन अर्ली 90s में, क्योंकि ट्रेडिशनल सर्जरीज जो होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होता है, वो जगह छोटी होने की रिस्क होती है, या कभी कभी कट्स होने की वजह से कंट्रोल जाने की भी रिस्क होती है। लेकिन जो मॉडर्न इनोवेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जो हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम 2012 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लेज़र सर्जरी बोलते हैं, या लेज़र हिमरोडोपेक्सी जो टेक्निक हमने डेवलप की 2013 में, इसका एडवांटेज ये है कि इसका रिकरेंस रेट काफ़ी नेग्लिजिबल है और इसमें पेन डिस्कम्फर्ट भी बहुत कम रहता है। तो रिसेंटली हमने लास्ट ईयर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सीरीज पब्लिश की फॉर पाइल सर्जरी विथ लेज़र हिमरोडोपेक्सी, इसमें मोर देन 1000 पेशेंट्स थे, तो इसका रिकरेंस रेट जो था वो सिर्फ 1% था, मतलब 100 में से एक ही इंसान को बीमारी वापस होने के चांसेस है। राइट। सर्जरी सुनने के बाद हर एक व्यक्ति के दिमाग में यही चलता रहता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, आर देयर एनी रिस्क और कैन एनीथिंग गो रॉन्ग, कुड यू टेल अस कि आर देयर एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस अबाउट दिस ट्रीटमेंट। सो ये जो बीमारी है, अगर आप इसको राइट स्टेज पे ट्रीट करते हो तो आपके कॉम्प्लिकेशन की जो रिस्क होती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम रहती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम इसको स्टेज टू स्टेज थ्री में लेज़र से ठीक कर देते हैं तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स है वो काफ़ी कम है, एंड दे आर लेस देन 2%। ऐसे केसेस में रेयरली कभी कभी आफ्टर सर्जरी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, या कुछ कुछ पेशेंट्स को बाहर से स्वेलिंग आके वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से उनको 2 weeks या 3 weeks थोड़ा सा पेन डिस्कम्फर्ट रह सकता है। एंड अगर ये ठीक से करते हैं तो वापस होने का चांस हार्डली 1% है या लेस देन दैट है। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के हाथ में नहीं होता और कोई इनएक्सपीरियंस सर्जन करते तो मे बी इसका रिकरेंस रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी स्टेज फोर में आती है, जिसमें ये पोर्शन पूरा बाहर आ जाता है और आप इसको ट्रीट कर रहे हो, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस रेट्स है वो अराउंड 5-7% है, जिसमें ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी अराउंड 7-8% है, पेन डिस्कम्फर्ट ऑलमोस्ट 2 weeks तक रहता है, तो उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जरी के बाद सबको डर लगता है कि हाउ पेनफुल इट कैन बी और हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू हील, कुड यू टेल अस कि कितना टाइम लगता है हील करने के लिए एंड इज इट पेनफुल? यस, सो हीलिंग प्रोसेस जो है इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक, जिस टेक्निक से ये सर्जरी हम करते हैं। जो ट्रेडिशनल सर्जरीज है, जिससे ट्रेडिशनली आज भी काफ़ी सारे लोग ट्रेडिशनल सर्जरीज करवाते हैं, जिसमें चीर फाड़ होता है या यू नो स्टिचेस लिए जाते हैं, इन दोज केसेस दे माइट हैव पेन डिस्कम्फर्ट फॉर ऑलमोस्ट से 45 days और 2 months, एंड मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स दे आर यू नो एडवाइज बेड रेस्ट फॉर मिनिमम 3 weeks और 4 weeks, because traditional surgeries are painful. But if a patient undergoes say the innovative technique which is known by the name of laser hemorrhoidopexy, then the recovery is fast, and majority of our patients they actually join office from 3rd day. The intern healing might take say 10 days to 15 days. Now say a patient undergoes stapler surgery, which is you know wherein the piles are in stage 4, to aise case mein healing, internal healing jo hai wo 2 to 3 weeks ki rehti hai, और पेशेंट्स ऑफिस जाना या घर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो है वो 5th day से चालू कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि आपके टेक्निक में जो रिकरेंस का चांसेस है इट्स 1%, बट वो भी क्यों? सो ये जो टेक्निक है ये हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्कमफ्रेंशली 360 degree में होता है अंदर से। सो सपोज एक पेशेंट आता है हमारे पास जिनको 3 o'clock या 9 o'clock पे पाइल्स है, और से 12 o'clock पे सिर्फ इनिशियल स्टेज है, तो उनको हम ट्रीट करते वक्त इंटरनली 360 डिग्री में ट्रीट करते हैं, चारों साइड से ट्रीट करते हैं, इसलिए इसका रिकरेंस रेट काफ़ी कम है और से 1% है। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 1% को भी और कम करके ऑलमोस्ट रिकरेंस फ्री कर दें। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो एपिसोड्स है दैट विल आल्सो हेल्प आवर व्यूअर्स एंड रीडर्स यू नो टू क्लियर देयर डाउट्स एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग पाइल्स। थैंक यू सो मच। I am actually very thankful to Pune Mirror team for creating awareness on piles. It is actually a very important social activity because लोग piles बवासीर से डरते हैं और इसके बारे में discuss नहीं करते, और ये जो काम Pune Mirror की team कर रही है awareness करने का, इसके वजह से मुझे confidence है कि लोग early stage में diagnosis करने के लिए आएंगे, ताकि हम इसको
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है उससे ही हम इसको ठीक कर पाएंगे. थैंक यू.